हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। दिस इज कुलदीप चंदोलिया और आज हम जा रहे हैं गाइस ट्रैकिंग कर रहे हैं। आज हम 25 किलोमीटर पैदल चलेंगे और मेरे साथ हैं यहाँ पे तीन बंदे और मैं इनसे भी मिलाता हूँ और करते हैं वीडियो स्टार्ट। गाइस हमारे साथ है अनूप सर, आपने इनको क्रिकेट बॉक्स में देखा होगा, काफी सारे छक्के मार रहे हैं और आज देखो ये लेके तो आया है मेरे को। अनूप भाई क्या होता है, क्या लगता है मैं आपको बच पाऊंगा कि नहीं? हाँ जरूर, आपकी श्रद्धा से आए तो आपको बाबा जी जरूर वहाँ तक पहुँच जाएंगे। रखना आप बाबा का नाम लेते जाना, रास्ता अपने आप तक जाएंगे। तो गाइस अभी हमने जर्नी स्टार्ट कर दी है, अभी हम जलंधर बस स्टैंड से बाय वॉक हो गए हैं। हम जा रहे हैं नकोदर मुरादशाह, ठीक है, अगर लाल बादशाह जाएंगे तो वहाँ भी जाएंगे, तो देखते फ्रेंड्स। उजाला हो चुका है और अभी हम रविदास चौक के करीब पहुंचे हैं। अभी बहुत मंजिल बहुत दूर है पर अभी हम वॉक कर रहे हैं। पीछे है हमारे ये भाई और इधर अनूप भाई, ठीक है। अभी पीछे हैं जो भाई, उनसे आपको मिलाते हैं कि वो कौन है, क्या करते हैं, कैसा है, क्या नहीं है। आज के हमारे टीममेट्स देखो क्या नाम है इनका, हम पूछते हैं। हेलो, हाय, मायसेल्फ पवखंडन, बास्केटबॉल कोच, यहाँ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जलंधर। सर अपन को लग रहा है कि आज अपन पहुंच जाएंगे कि नहीं, बिकॉज 25 किलोमीटर है। बिल्कुल पहुंच जाएंगे और परमात्मा अपने आप लेके जाएगा। होप कर दे गाइस सारे जने वेल पहुंच गए, बाकी अनुप जी होनी आगे निकल गए, आप अभी थोड़ा रिकवर कर देना। ये देखो फ्रेंड्स हम रविदास चौक आ चुके हैं। ये देखो हिम्मत करता हूँ आपको, रविदास धाम है इनका, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहुंच गया हमारी टीम के फोर्थ मेंबर आकाश सर। आकाश सर क्या लगता है फिर हम कब पहुंचेंगे? बस चल रहे हैं, अभी तो जा रहे हैं, अभी तो जा रहे हैं। एक घंटा हो गया है, बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक घंटा हो गया हमें बाय वॉक करते हुए, अराउंड 3 or 4 घंटे का है ये रन। तो देखो भी क्या बनता है। आकाश सर हमारे साथ है, ये है क्रिकेट टीम के कोच, ठीक है। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये हमारे तीन बंदे हैं, तीन सोल्जर हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं। और ये हमारी लोकेशन है नकोदर, यहाँ पे देखो ये हमारी लोकेशन है नकोदर। नकोदर की तरफ हमें जाना है, तो बने रहे गाइस, हम पहुंच पाते कि नहीं टाइम पे, टाइम हमारा बने रहे गाइस, देखते हैं हम टाइम पे पहुंच पाते कि नहीं। हमारा टाइम अराउंड 10 बजे के करीब है पहुंचने का। बाकी मेरी टीम आगे निकल चुकी है क्योंकि मैं जस्ट इस बोर्ड का क्या कहते वो ले रहा था और वीडियो ले रहा था। तो गाइस बने रहे कुलदीप चंदोलिया के साथ, आगे देखो होता क्या है। मैं वॉक कर रहा हूँ, ये देखो टीवी टावर, ये है एक्चुअली टीवी टावर, यहाँ का जलंधर का टीवी टावर है गाइस, जहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। तो ये मेरे टीममेट्स हैं और मैं इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ, वीडियो बनाता हूँ, मजे लेता हूँ। ये देखो गाइस अभी तक हम इतना चल रहे हैं, पहले पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। चार अनूप भाई ने जो अनूप भैया है हमारे यहाँ पे, इन्होंने चार भागों में डिवाइड कर रखा है नकोदर को, ठीक है, मतलब 5 भागों में, जहाँ पे एक फर्स्ट डेस्टिनेशन, सेकंड डेस्टिनेशन, थर्ड डेस्टिनेशन, ठीक है। जैसे हम रास्ते को डिवाइड करते हैं वैसे। तो हम पहले पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, हम बताएंगे अनूप भाई। सो फ्रेंड्स अभी हम पहला पड़ाव पूरा करने लगे हैं, ये है हमारा जलंधर दूरदर्शन। ये इसकी हाइट मैं बता दूं, कम से कम ये 200 मीटर का ये टावर, ये देखो ये रहा टावर। और ये हमारी यात्रा का फर्स्ट पड़ाव है। तो मैंने क्या किया है, यात्रा को मैंने 5 पड़ाव में डिवाइड कर दिया है, तो ऐसे हमें पता चलते रहता है हमने कितना डिस्टेंस अभी कवर कर लिया है। तो गाइस होपफुली हम जल्दी बाकी डिस्टेंस भी कवर कर देंगे। बाबा जी हमारी ऐसे ही मेहनत अपनी कृपा बनाई रखें ताकि हम जल्दी से जल्दी ये यात्रा कम्प्लीट कर लें। की जरूरत पड़ गई है यहाँ पे, थोड़ा फूड लिया जा रहा है भाई की तरफ से, थोड़े केले ले रहे हैं रास्ते के अंदर। यहाँ पर क्या नाम है अंकल आपको, ये यूट्यूब पे जाने वाली है वीडियो, क्या नाम है आपका? रामनाथ जी यहाँ पर हैं, ये फूड सील कर रहे हैं।
दो थम्स अप। ये देखो गाइस मोरनी की मिंगला है, जो बोलते हैं बनाना मी। देखो हम सेकंड बिल्डर पर अनु भाई दसोंगे कि कितने पहुंच गए अपन। नहीं यात्रा दा दूजा पड़ा क्रॉस कर चुके हैं, अजे इथों भवन वास्ते तीन पड़ा होर आ, इथों 15 किलोमीटर यात्रा होर आ। अभी 12 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, 15 किलोमीटर यात्रा होर आ। साईं जी की कृपा ना वो भी असी इदा ही पूरी कर देनी है। जय साईं जी। तो बाकी फ्रेंड्स असी एवरेज है जो 12 मिनट से 1 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। देखो असं किन्ने मिनट से कर लें। असी सैकेंड पड़ाव से आ गए हैं, किन्ना किलोमीटर आ गए? 12 किलोमीटर असं आ चुके हैं। होप करता जल्दी पहुंच जाएंगे। 2 घंटे पसीना देखो कितना आ गया। तो फ्रेंड्स नकोदर रह गया है 10 किलोमीटर यहाँ से, बट नकोदर पूरा 10 किलोमीटर है। बस स्टैंड जो दरगाह है वहाँ से 3 किलोमीटर और है, तो हमें 13 किलोमीटर और चलना है। गाइस बने रहिए कुलदीप चंदोलिया यूट्यूब चैनल के साथ। मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं आगे और मैं जा रहा हूँ पीछे। गाइस ये देखो 13 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रह गया है, 13 किलोमीटर और है, तो 13 किलोमीटर पूरा नकोदर है। सो दोस्तों कुलदीप नु भी मिले, मेरे थोड़ा टाइम नहीं होया, पर थोड़े टाइम के साड़ी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। एक्चुअली सा मेरा टीममेट भी है, अच्छा सपोर्टर साड़ी टीम का क्रिकेट का। सो कहन लगा भाजी मैं भी जाना वा, तो मैं क्या चल भी अच तेन भी नाल लै चल, चलते हैं बाबे दरबार से। सो देखो अद्धा अद्धा तकरीबन अद्धा रस्ता ही कंप्लीट कर लिया वा, तो वधिया दी हिम्मत बनी हुई है, तो चेहरे पर समाइल आ, गल्लां बातां करते जा रहे हैं, तो हजे फ्रैश फील कर रहा वा। बाकी बाबे रहमत पूरी हुई पी आ, मौसम भी वधिया वा, हवा चलती पी आ, हाईवे दे उत्ते ही मेरे नाल दे कलीग भी अगे नाल जा रहे हैं, बड़ा सोहना सफर चल रहा वा। वैदर बहुत अच्छा है, अच्छा है फ्रेंड्स, वैदर भी बहुत चंगा चलता पाया, ठंडी ठंडी हवा आती पी है, खुला खुला माहौल है, खेत ही खेत है, पंजाब के खेत तुम्हें पता ही है, दुनिया के मशहूर है पंजाब के खेत, तुलना लगा हुआ है, ठंडी हवा है। सारा मेरे इस साइड सारा शायद तुम दिखता होगा दूर, सारा झोना लगा पा, झोना स्कैन का मतलब जिन्हों असी हिंदे च धान की फसल भी कह देते हैं, इंग्लिश च राइस कह सक कहने। सो साडे पंजाब च झोना कहते हैं, हिंदी च चावल, हिंदी च चावल धान की खेती कह देते हैं। सो पंजाब इन्ना बहुत वधिया, देखो साडे पिछे जेसीबी जा रही है, कंपैन सॉरी कंपैन। सो पंजाब साडे देश का काफ़ी डिवेलपिंग सूबा हैगा वा। देखो इतने वे वे कोल्ड स्टोर्स स्टोरेज भी है, दिखाना तुम वे कोल्ड स्टोरेज किसान अपनी फसलों लैके इतने स्टोर करते 5-6 महीने वो फसल स्टोर हुई रही वा। सो बाकी जानकारी तुहानू अगे जाके देवांगे। सो जय साईं। ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पे एक पर्सन है, वो पानी और चाय की सेवा करता है। रुपये सेवा बोल, ये देखो गाइस चाय और पानी की सेवा है, जो स्कूटी पे एक बंदा आता है यहाँ पे चाय और पानी की सेवा करके जाता है, जो भी जा रहा है वॉकिंग पे, जो भी पैदल आ रहा है उनके लिए। तो ये बहुत अच्छा लगता है गाइस, जो ऐसे करते हैं लोग, जो कि
हर लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, जो लोगों को मतलब सेवा प्रोवाइड करते हैं या कुछ ना कुछ चाय बिस्कुट या कुछ ना कुछ देते हैं। तो होप करता हूँ कि अगर कभी हो सका तो मैं भी इस फील्ड के लिए करूँगा। ये देखो गाइस, ये है व्यू, ये है चूना, चूना पूरा लगा हुआ है गाइस, पूरा चूना लग गया है पंजाब के अंदर। ये है पंजाब की हरियाली, पूरा देखो, पूरा खेती के। और फ्रेंड्स, ठंडी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा वेदर बना हुआ है, वेदर रिपोर्ट है जो बहुत ही अच्छी है यहाँ की, क्योंकि ये फ्रेंड्स हमारे साथ में चली आ रहे हैं। एकदम मतलब प्लेन रास्ता है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया नहीं है। अगर हम पहाड़ी एरिया होता तो ये हम ट्रैक नहीं कर पाते, तो भी हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, बिफोर 3 घंटे से हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो भी देखो क्या बनता है। फ्रेंड्स, 22 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी 3 किलोमीटर रह गया, 3 किलोमीटर तो 3 किलोमीटर रह गया, 5 किलोमीटर रह गया, कितने 22 किलोमीटर हो गया है, अभी 5 किलोमीटर और है, तो टोटल 27 किलोमीटर है लिमका हमें हमारे पास है, एनर्जी हमारे पास फुल है, तो अभी करके दिखाएंगे गाइस, 5 किलोमीटर और रह गया, तो ठीक है ओके। फ्रेंड्स, यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया, नियर अबाउट 2 किलोमीटर, यहाँ पे 2 बंदे और मिले मेरे को। हेलो फ्रेंड्स, चार ये दोनों फ्रेंड्स मिले गाइस, जैसे हम वॉकिंग कर रहे हैं भाई जलंधर से, ये भी वॉकिंग कर रहे हैं तो भाई जलंधर से ही कर रहे हैं, और बाकी इनकी थोड़ी हालत मेरी जैसी है, थोड़ी मतलब थक चुके हैं गाइस, क्योंकि 25 किलोमीटर नॉर्मली कोई चलता नहीं है, तो आज डिसीजन लिया है मैंने, तो लिया है, बाकी ये लोग तो आते रहते हैं हर वीकली, वेडनेसडे थर्सडे को आते रहते हैं ये लोग, बट देखो भी क्या बनता है। अभी 2 किलोमीटर मिनिमम रह गए हैं, तो फ्रेंड्स ऐसी हम नकोदर की मेन मार्केट में पहुंच गए हैं, यहाँ से 500 मीटर रह गए हैं जो नकोदर की दरगाह है, तो नुपई मेरे साथ में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा बैग भी उठा रखा है नुपई ने कब से, और मेरा हाथ पकड़ के लेके आए हैं, ये ट्रूथ चैनल है, और मैं आपको ट्रूथ ही बताता हूँ, जो है वो असलियत यही है। तो नुपई आपसे करेंगे बात, साईं की कृपा से हम दरगाह के जस्ट 450 मीटर की दूरी पे हैं, तो देखो इतनी गर्मी थी जब हम निकले थे घर से, तो अभी देखो ऊपर वाले की कितने कितनी कृपा हो गई, तो यहाँ पे बादल हो गए हैं, मौसम ऐसे हो गया जैसे अभी बादल आ जाएंगे, बारिश आ जाएगी, और हम मजा आ गया, मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट है ये, जबकि जितनी बार भी मैं यहाँ पे दरगाह पे आता हूँ, तो जितनी चाहे मर्जी गर्मी हो, तो लेकिन उस दिन मुझे ऐसा मौसम मिल ही जाता है, तो बहुत अच्छा, कुलदीप ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया, खुद भी अपनी हिम्मत बनाई रखी, मेरी भी हिम्मत बनाई रखी, तो चलते चलते अभी 27 किलोमीटर का जो हमने डिस्टेंस है हमने कवर कर लिया है, तो जय साईं जी की, आगे भी हमारी ऐसे ही कृपा रहे भगवान की हमारे ऊपर, तो हम आगे भी आते रहेंगे, जय साईं जी की। मौसम है मौसम, नकोदर में भी शिमला का मजा आ गया गाइस, जब बंदा दिल से आता है तो ऐसे हो ही जाता है कि नकोदर में भी शिमला का मजा आ गया है, यहाँ पर रूपा जी के साथ बहुत अच्छा मौसम है गाइस, पूरी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये देखो वेदर, देखो वेदर बहुत तगड़ा वेदर है गाइस, आप सब मिस कर रहे होंगे ऐसा मौसम, मजा आ गया इस मौसम में, पूरी थकावट जितनी थी थकावट सारी की सारी निकल गई, इतनी ठंडी हवा पीछे आ रही है जैसे एसी लगा होते ना घर पे, ऐसी ठंडी हवा पूरी फील हो रही है, तो गाइस मजा आ गया साईं जी के दरबार आकर, सारी की सारी थकावट ऐसे ऐसे शुभ मंत्र, यहाँ पे मकबरे बने हुए हैं बहुत पुराने, जो पुराने टाइम के मकबरे बने हुए हैं गाइस, देखो बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत ज्यादा अच्छा बना हुआ है, ये सरोवर बना रखा है इन्होंने, देखो वो
बहुत तगड़ा सरोवर है गाइस, हवा बहुत तेज चल रही है, हवा बहुत तेज चल रही है फ्रेंड्स, बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तगड़ा नजारा है। देखो वो देखो बतख भी है वहाँ, बहुत तगड़ा नजारा। हम क्या कहते हैं पहुंच गए नवोदर यहाँ पे दगा पे। कितने कितने का टिकट था? 27 किलोमीटर का जो हमारा डिस्टेंस था वो हमने 5 घंटे में लगे, 5 घंटे कुछ मिनट लगे हैं गाइस। तो हमने 27 किलोमीटर 5 घंटे कुछ मिनट में हमने कंप्लीट कर दिया। तो पीछे बाबा जी की दरगाह है, पीछे बाबा जी को दिखाएंगे। तो गाइस ठीक है, ओके। के रेडी हो गया, बारिश हो गई है, रेनिंग हो गया, रेनिंग का नजारा अलग ही होता है गाइस घूमने का। और देखो हम नहा धो के रेडी हो गए हैं, अभी मत्था टेकने जा रहे हैं गाइस दरगाह के अंदर। तो देखो खुशी की बात है कि रेनिंग हो गया, मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पंजाब में जलंधर में नहीं, कहीं मतलब कहीं और घूम रहा हूँ, हिमाचल घूम रहा हूँ सीरियसली। जय बाबे, जय बाबे जी गाइस, जय बाबे जी, जय मस्ता जी। तो हमने गाइस दर्शन कर लिए हैं गाइस, मत्था टेक लिया है यहाँ पे दरगाह पे, और बहुत ही ब्यूटीफुल दरगाह है गाइस। कभी आपको दिल करे तो आप जरूर आए कि देखो यहाँ से हम ये मेन गेट से बाहर आए हैं। तो जैसा इन जी की मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे दो इनोवा गाड़ी खड़ी हैं इस साइड, ये साईं जी की सवारी है, एक बाबा गुलाम शाह जी की है, एक बाबा मराशाह जी की गाड़ी है, दोनों के नंबर भी सेम है 786। तो इस जगह की बहुत ज़्यादा मानता है, तो आप लोगों से भी विनती है कभी अगर आप इस साइड आओ, नहोदर आओ, तो यहाँ पे जरूर मत्था टेक कर जाना, जहाँ पे सबकी मुराद पूरी होती है। ये मेरा अपना मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो सबकी जोली बरती रहे। जय सर। बैठने के लिए यहाँ पे जगह बनी हुई है, ये हमारे तीनों फ्रेंड्स हैं जो बैठे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा नजारा है, बहुत ही अच्छा नजारा है यहाँ पे। शपील लगी हुई है, शपील लगा रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे शपील लगा रखी है गाइस, बहुत ही प्यारी शपील है, बोतल भी भर के देते हैं गाइस, बहुत ही अच्छा व्यू। तो फ्रेंड्स हम 4 जने पहुंच गए हैं और बैठे हैं मत्था टेकने के बाद नहा धो के, अभी वापस जाने की तैयारी है। थोड़ी देर में वापस की तरफ निकलेंगे, हम वापसी करेंगे, वापस लेट है, सब बहुत बढ़िया भाई की तैयारी हो चुकी है। ये जोड़ा घर में मैंने शूज पहन लिए हैं और ठीक है भाई, देखते हैं अभी कैसे जाते हैं, बने रहिए। अभी हम बस में बैठ चुके हैं, अनु भाई आगे बैठे हैं, बाकी भाई पीछे बैठे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए अनु भाई की गाड़ी पे, जो बस स्टैंड खड़ी थी सुबह मॉर्निंग में। तो ये सब भाई लोग अपने, तो ये गाइस होप यू एंजॉय द वीडियो, इफ यू एंजॉय द वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गाइस, बने रहिए कुलदीप चंदोलिया जैन के साथ। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और भी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी गाइस इसी चैनल के अंदर। ठीक है, बाय बाय गाइस, मिलते हैं टिल देन किसी नेक्स्ट वीडियो में।